फॉर एग्जाम्पल, वाइल सोशल मीडिया यूज कैन प्रिडिक्ट लेवल ऑफ लोनलीनेस, दिस रिलेशनशिप मे बी स्ट्रॉन्गर फॉर एडोलेंट्स देन द ओल्डर एडल्ट्स. एज इज अ मॉडरेटर हेयर. मॉडरेटर कैन बी. हाँ, वेट वेट वेट, अभी आपको समझ में आया कि मेडिएशन और मॉडरेशन के बीच में क्या डिफरेंस है? ये रीड कीजिए. व्हाइल सोशल मीडिया यूज कैन प्रेडिक्ट्स लेवल ऑफ लोनलीनेस, दिस रिलेशनशिप में बी स्ट्रॉन्गर फॉर एडोलेशंस, मतलब जो यंगस्टर होते हैं वो ज्यादा लोनली फील करते हैं तो वो सोशल मीडिया यूज करते हैं, लेकिन जो ओल्डर अडल्ट है, जो पुराने जमाने के लोग हैं या तो थोड़े एज में ज्यादा है, तो उनको लोनलीनेस नहीं लगता. तो यहाँ पे कौन सा फैक्टर मॉडरेटर है? एज. एज इज ए मॉडरेटर. सो ये किस प्रकार का मॉडरेटर है? एज कैटेगरी. एज इट इज ए कैटेगोरिकल मॉडरेटर. तो कैटेगरी में क्या क्या आ सकता है, चेक कीजिए, ये रीड कीजिए. कैटेगोरिकल वेरिएबल सच एज एथनिसिटी, रेस, जेंडर, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, हेल्थ स्टेटस और स्टिमुलस टाइप्स. क्वांटिटेटिव वेरिएबल सच एज एज, वेट, हाइट, इनकम और विजुअल स्टिमुलस साइज. तो इस तरह के मॉडरेटर हो सकते हैं. अभी दूसरा एक एग्जांपल देखिए यहाँ पे, ये रीड कीजिएगा मैडम. इन अ स्टडी ऑन वर्क एक्सपीरियंस एंड सैलरी यू हाइपोथेसाइज दैट इयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस प्रेडिक्ट सैलरी when controlling for relevant variables. Gender moderates the relationship between work experience and salary. This means that the relationship between years on experience and salary would differ between men and women. ये आया ना, देखो नीचे example है, आप check कीजिए. हाँ, gender is a moderator here. Gender is a moderator variable. तो अगर male है और ज्यादा experience है उसकी salary, और woman है और ज्यादा experience है, मान लीजिए there are 5 male and 5 females, दोनों को 20-20 years का experience है, all 5. तो क्या उनके बीच में उनके experience और salary में difference है? तो कितने बीटा यहाँ पे आएंगे? Can you tell me how many betas will be there? एक word file open करता हूँ, आपको explain करता हूँ. ये समझ में आया अभी आपको categorical moderation? हाँ जी सर. हाँ, अभी पढ़िए ये पैराग्राफ. टू टेस्ट दिस स्टैटिस्टिकली यू परफॉर्म अ मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस फॉर द डेटा ऑन वर्क एक्सपीरियंस एंड सैलरी विद जेंडर एडेड इन द मॉडल. यू कंपेयर द स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द मॉडल विद एंड विदाउट जेंडर इंक्लूडेड टू डिटरमिन whether जेंडर मॉडरेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन वर्क एक्सपीरियंस एंड सैलरी. आपका मॉडरेटर और मेडिएशन के बीच में हम एक डेटा फाइल भी आपसे शेयर करता हूं और पूरी पीपीटी शेयर करता हूं ताकि आपको क्लियर समझ में आए कि आपको कैसे आगे बढ़ना है मॉडरेटर में. मैडम थैंक्स अ लॉट कि आपने मेरा काफी काम आपने ही किया. आई विल से यू आर द रिसोर्स पर्सन रादर देन मी. वंडरफुल सपोर्ट एक्सटेंडेड बाय यू. थैंक यू सर. मॉडरेशन के बारे में थोड़ा एग्जाम्पल के साथ देखते हैं. Give me a moment. Can you see a new PPT? Yes, sir. हाँ मैडम, ये फाइल है, डेटा फाइल मैं आपसे शेयर कर दूंगा और वो पीपीटी जो है ए कैटेगरी जर्नल वाला वो भी शेयर कर दूंगा. आपको सिर्फ ये रीड करना है एग्जाम्पल वन. We are predicting hope from negative life events
with grid, serving as a moderator of that relationship. In other words, our hypothesis is that the relationship between negative life events and hope is moderated by grid. All three variables are being treated as continuous. तो देखिए मॉडरेटर ये किस ग्रीड का डेटा देखिए ऊपर एसपीएसएस की डेटा फाइल दिखाई दे रही है आपको. यस सर. तो ग्रीड ये किस प्रकार का मॉडरेटर है? इट इज कैटेगरिकल और कंटिन्यूअस. द कंटिन्यूअस. यस. तो कैटेगरिकल तो मैंने बता दिया आपको. बट इन रिसर्च कंटिन्यूअस इज वेरी इंपॉर्टेंट. कोई कॉन्फ्रेंस होती है तो उसमें मॉडरेटर का रोल क्या होता है? व्हाट इज द रोल ऑफ मॉडरेटर इन एनी कॉन्फ्रेंस और सेमिनार? टू अरेंज द ऑल थिंग्स और टू कम्युनिकेट बिटवीन द रिसोर्स पर्सन एंड प्रेजेंटर. एब्सोल्युटली सुपर्ब आंसर. टू कम्युनिकेट बिटवीन द ऑडियंस एंड द प्रेजेंटर. वो मॉडरेटर होता है. वही रोल यहाँ पे है मॉडरेटर का. तो ये यहाँ पे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के बीच में होता है. राइट? जी सर. हाँ, वो ध्यान में रखिए. आगे चलते हैं. देखिए कैसे मैंने पूरे स्टेप्स पीपीटी में कैप्चर करके रखे हैं आपके लिए. तो हम सबसे पहले कहाँ जाएंगे, कौन से मेनू में जाएंगे? एनालाइज. फिर वहां से रिग्रेशन. मॉडल नंबर मस्ट बी सेट टू व्हाट? वन. और यहाँ पे y और x कौन होगा? y होप इज इट होप एंड x इज अ नेगेटिव लाइफ इवेंट्स. और यहाँ पे मॉडरेटर कौन सा है? ग्रिट. ग्रीट आपका मॉडरेटर है. और ये चेक कर लीजिए. इसके बाद आपको कहाँ कहाँ सिलेक्ट करना है, ऑप्शन पे सिलेक्ट करना है. ये रीड कीजिए तो आपको क्लियर होगा. एडिशनल ऑप्शंस कैन बी फाउंड अंडर द ऑप्शंस टैब. हियर आई हैव क्लिक्ड ऑन जनरेट कोड फॉर विजुलाइजिंग इंटरेक्शंस एंड मीन सेंटर फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स. मीन सेंटरिंग इन्वॉल्व्स सबट्रैक्टिंग द मीन फ्रॉम द रॉ स्कोर्स ऑन अ वेरिएबल. In our case, we will have negative events x minus x bar and grid center w minus w bar. So the model will be run with the independent variables being the centered negative life events and grid variables, as well as the interaction between the centered values on these variables. So, ये कैसे SPSS में select करते हैं process macro में? वो मैंने बता दिया आपको. ये कौन सा model है? Which model? तो ये इसका भी मैं आपको पीपीटी पीडीएफ फाइल शेयर करता हूँ. टेम्पलेट करके फाइल है जो प्रोफेसर एंड्रू हेन्स ने बनाई थी. सो प्रोफेसर एंड्रू हेन्स बिलीव्स दैट टेम्पलेट में हर एक मॉडल है. मॉडरेटर मेडिएशन जो मॉडल मैंने शेयर किया वो कौन से नंबर का मॉडल था? 1-4 था. नहीं, आगे जो मैंने 11-12 हाइपोथेसिस बताई वो कौन से नंबर का मॉडल था? 14th नंबर का. 1-4. बहुत सारे ऐसे मॉडल 20-22 मॉडल बना के रखे हैं उसने. चलो आगे चलते हैं. लेट्स मूव वन स्टेप. हाँ ये पढ़िए. A common misconception is that mean centering is a requirement in testing interactions using regression in order to alleviate multicollinearity among the regression terms. This is not the case. Nevertheless, although mean centering is not a requirement when carrying out moderated multiple regression, it can facilitate interpretation of the regression parameters. It is particularly useful in interpretation when a value of zero does not fall within the range of values on your independent variables. I have also clicked under prob interactions on first mean and first SD plus one SD, which are three points along the scale of the
मॉडरेटर वेरिएबल्स W कन्वेंशनली चोजन टू रिप्रेजेंट लो मीडियम एंड हाई वैल्यूज ऑन द वेरिएबल्स. In other words, the relationship between X and Y is tested as those three levels by setting the prob interactions to if P is lesser than 0.10, only those conditional relationship where P is lesser than 0.0 will appear. If you want the conditional relationship to always show up, you can click the arrow so that it says always. ध्यान में रखना पड़ेगा आपको. पढ़िए. Finally, by clicking on Johnson-Neeman output, we can probe the relationship between X and Y for regions of significance across levels on the moderator variables. Another way to think of this is an extension of the probe interactions above. But instead of obtaining test of conditional relationships at only three levels, you obtain test of conditional relationship across ranges of the moderator variables. हाँ, देखिए जब आप वो वेरिएबल में सारे स्टेप्स फॉलो करके ओके करेंगे तो ये रिजल्ट जनरेट होगा. और ये हाइलाइटेड क्या है पढ़िए, इंटरेक्शन वन, तो उसकी कोएफिशिएंट कितना है, हाउ मच इज द कोएफिशिएंट, 2.6055. और उसकी पी वैल्यू देखिए 0.05 से लेस है कि ज्यादा है, कम है सर, 0.05 कम है. तो ये नीचे क्या लिखा है पढ़िए, आपको बिल्कुल ये टेबल आपको रिपोर्ट. हाँ पढ़िए पढ़िए, प्लीज रीड आउट द इंटरेक्शन टर्म्स वाज स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट. बी इज 2.6055, स्टैंडर्ड एरर इज 1.0509, पी वैल्यू इज 0.0136 इन आवर मॉडल, इंडिकेटिंग दैट ग्रिट वाज अ सिग्निफिकेंट मॉडरेटर ऑफ द इफेक्ट ऑफ नेगेटिव लाइफ इवेंट्स ऑन होप. सो ये हो जाता है आपका टेबल रिप्रेजेंट, जो करेंगे आप टेबल इस तरह से रिप्रेजेंट होगा और इस तरह से नीचे आपको लिखना पड़ेगा इंटरप्रिटेशन मॉडरेटर का. ये कंटिन्यूअस मॉडरेटर है. आगे चलते हैं, पढ़ते जाइए. द बॉक्स बिलो कंटेन्स द सेम टेस्ट रिजल्ट्स एज दैट इन द टेबल फॉर द इंटरेक्शन इफेक्ट. हाउएवर द वैल्यू एडेड इज दैट इट कंटेन्स एन इंडेक्स ऑफ द आर स्क्वायर चेंज ड्यू टू द मॉडरेशन इफेक्ट्स. This is akin to the change in R square one would observe if running a hierarchical multiple regression with the unconditional effects of the independent variables in model 1 and adding in the interaction term in model 2. The R square change from model 1 to model 2, adding in the interaction term, was 0.0138, indicating the interaction effect accounted for 1.38% added variation in Y. तो कितना वेरिएशन आया, 1.3 सिग्निफिकेंट है आर स्क्वायर. देखो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड मॉडरेटर दोनों को मल्टीप्लाई किया जाता है. दिस इज द वे इट इज रिपोर्टेड इन रिसर्च पेपर. ये पूरा मॉडल समरी प्रोडक्ट टर्म्स की और टेस्ट ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर अनकंडीशनल इंटरेक्शन, ये तीनों चीज रिपोर्ट की जाती है. And the beauty of the process macro is that के वो पेपर में कैसे रिपोर्ट करने का, वो टेबल ऑटोमेटिकली उसी फॉर्मेट में जनरेट करता है. और यहाँ पे नीचे आपको बताया भी गया है कि हाउ टू राइट रिजल्ट, हाउ टू रिपोर्ट आउटपुट, द लैंग्वेज इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर यू. एंड इन इफ यू आर डूइंग यूर पी एच डी देन मॉडरेटेड मेडिएशन एंड मॉडल नंबर 14 होना बहुत जरूरी है. पढ़िए आगे मैडम. कीप इन माइंड हाउएवर दैट सिंस मॉडरेशन इज सिमेट्रिक, वी कुड हैव आल्सो थ्योरेटिकली इंटरप्रेटेड द इंटरैक्शन एज इंडिकेटेड दैट नेगेटिव लाइफ इवेंट्स मॉडरेटेड द इफेक्ट्स ऑफ ग्रिट ऑन होप. रिकॉल दैट द डिजिग्नेशन ऑफ वेरिएबल्स इज बीइंग द फोकल इंडिपेंडेंट वेरिएबल वर्सेस मॉडरेटर इज अ थ्योरेटिकल और कंसेप्चुअल इश्यूज एंड नॉट अ स्टैटिस्टिकल वन. पढ़िएगा पूरा पैराग्राफ. These are the effects of negative life events and grid on the dependent variable, conditional on the other independent variable being zero. According to his 2018, the language researchers should be using when referring to the effect of X and Y is not main effects or the effects of these variable,
controlling for the interaction. Rather, since the slope represents the effect of x on y conditional on the other variables being zero, then it is more appropriate to think of the conditional effect as akin to a simple effect or a simple slope. As such, we can interpret the effect of grit and negative life events as follow. The effect of negative life events on hope was negative and significant. Conditional on grit to be equals to zero. Second, the conditional effect of grit was positive and significant. Conditional to negative life events equals to zero. तो जो मॉडरेशन इफेक्ट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है ये एग्जांपल में ग्रिट का पी वैल्यू देखो, सिर्फ एक ही वैल्यू देखनी है आपका, ग्रिट का पी वैल्यू 0.00, सो इट इज लेस देन 0.05. यस सर. सो कैन वी से दैट ग्रिट इज अ सिग्निफिकेंट मॉडरेटर? यस सर. हाँ, सो दिस इज हाउ मॉडरेशन एनालिसिस. बहुत है आगे, इतना बताऊं कि lot of stuffs are there. Read the graph. Graph भी बनता है, ये भी report करना होता है आपको thesis में, research paper में. Look at it. These are the simple slopes for the relationship between negative life events and hope at different levels of the moderator. The simple effect test are test of these slopes. The B's are found in the effect column. देख सकते हैं आप, इसकी p value significant है. तीन चीज बता रहा है वो. How many? Three sir. Three things. Grid की value भी तीन बता रहा है. अलग अलग केस में अलग अलग इफेक्ट होती है, ये कहना चाहता है. ग्रिट ज़्यादा होगा तो नेगेटिव लाइफ इवेंट ज़्यादा होगी तो ग्रिट कैसा होगा? दैट्स व्हाट कंपैरिजन इट शोस. और इसको अच्छे तरह से देखते हैं. हाँ, ये पढ़िएगा मैडम. These results indicates that there is a negative predictive relationship between negative life events and hope among those persons low in grit. On the other hand, there is a positive predictive relationship among those persons high in grit. तो लो ग्रेड और हाई ग्रेड का क्या इफेक्ट आया? What is the impact of low grade and high grade? Can you see over here, p value दोनों में significant है, in both case, whether low grit है या high grit है, लेकिन it has a significant moderating effect. ये chart आपको report करना पड़ता है. ज्यादा moderation पे नहीं जाएंगे, but there are two type of moderators. और आपको सिर्फ ये टेबल रिपोर्ट करने का रहता है. आई विल शो यू द टेबल. ये वाला, लुक एट द टेबल. डू यू सी द टेबल? यस सर. यस, तो ये रिपोर्ट करना होता है. मेरा लास्ट 20 मिनट्स जो क्वेश्चन आंसर है आप पूछ सकते हैं. सर 5 मिनट्स दे दीजिए ताकि आई कैन रिसीव द क्वेश्चन फ्रॉम अदर्स. हाँ, श्योर श्योर श्योर.
पहले डिसाइड करो कि मैं मिलू वो आप करने वाला हूँ तो मैं गाइड करूँगा, वरना मुझे मैं बोलो आपके काम में तो मैं आराम से बैठा तो आई टेक इट एज बिगिन. सर यस मैडम. सर जब हम अमॉस के रिजल्ट्स में गुडनेस इंडेसेस की बात करते हैं तो आपने हमें तीन वेज बताए हैं, एब्सोल्यूट फिट, पार्सिमोनियस और एक तो एक हमें क्या अपनी जब थीसिस के अंदर तीनों डालने हैं फिटनेस मॉडल में? हमें वापस एक बार रिपीट कीजिए सर. एमॉस में जब गुडनेस ऑफ फिट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो देयर आर थ्री इंडेसेस गुडनेस ऑफ फिट में, तो क्या तीनों ही शो करने चाहिए थीसिस? हाँ हाँ तीनों ही शो करने. अगर उसमें से कोई एक वैल्यू हमारी विद इन द रेंज नहीं आ रही है तो सर उस सिचुएशन में आपको जाके आपका डेटा इम्प्रूव करना पड़ेगा. उस सिचुएशन में क्योंकि एमओएस तो आउटपुट देता है, आउटपुट गलत है इसका मतलब आपका इनपुट के साथ कुछ कम प्रॉब्लम है. इट मींस आपके इनपुट के साथ कुछ प्रॉब्लम है. अच्छा सर आपके पास एमओएस का क्रैक वर्जन होगा, आप शेयर कर सकते हैं हमारे साथ? 15 MB है, देख लेता हूँ, पॉसिबल है तो शेयर कर दूंगा. और आप वेब गूगल में जाके डालेंगे ना एमओएस क्रैक वर्जन तो भी आपको मिल जाएगा क्रैक,
या तो YouTube में सर्च कीजिए वीडियो एमओस क्रैक करके. ओके सर. आई कैन शेयर, आई विल शेयर, डोंट वरी. जी सर. How many total number of participants are there in this webinar, this training program? Sir, approximately 12 to 15. 12 to 15. तो ये क्यों नहीं रखा आपने Zoom platform पे? क्योंकि सर हमारा इसी पे ही क्लासेस वगैरह भी इसी पे ही हो रही हैं, इसलिए क्योंकि आपकी तरफ से शायद आपने या तो उस टाइम पर सर आप बोल देते तो पहले हम Zoom पे ही कर देते. नहीं नहीं कोई बात नहीं, ये तो बाद में पता चला. लेकिन इसमें वन टू वन इंटरेक्शन हो, पार्टिसिपेंट अपना स्क्रीन शेयर करे तो ऑनलाइन एंगेजमेंट बहुत अच्छा होता है क्लासरूम का. हाँ नो डाउट सर. सर अदर क्वेश्चन इज मॉडरेशन इन एमओएस कैन बी डन इन अदर वे आल्सो या ओनली प्रोसेस मैक्रो या व्हाई वी आर यूजिंग ओनली प्रोसेस मैक्रोस. हाँ वेरी गुड. कैटेगरिकल एंड कंटिन्यूस मॉडरेशन जो है वो पॉसिबल है एमओएस के अंदर. नोट डाउन कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. कैटेगरिकल एंड कंटिन्यूअस मॉडरेशन इज पॉसिबल इन एमओएस. बट मॉडरेटेड मीडिएशन जो मैंने आपको 12 हाइपोथेसिस वाला मॉडल बताया, मॉडल नंबर 14, राइट? जी सर. सो दैट इज नॉट पॉसिबल इन एमओएस, इम्पॉसिबल इन एनी सॉफ्टवेयर ऑफ द वर्ल्ड. सो फॉर दैट आई विल शेयर टेम्पलेट विथ यू. Let me share a template with you so that you can understand. Whether I have template or not, where is the template? Just a moment. I will make it clear to all of you why should we use. हाँ मिल गया, मैं शेयर करता हूँ आपसे. अच्छा क्वेश्चन किया. प्रोसेस मैक्रो सीखना बहुत जरूरी है. अच्छी कैटेगरी ए कैटेगरी में पब्लिश करना है तो जस्ट ए मोमेंट. Is it visible? Sir, yes, sir. हाँ तो देखो ये प्रोसेस मैक्रो जो है प्रोसेस मैक्रो जो है आप चेक कर सकते हैं. पहला मॉडल हमने देखा था है ना, फर्स्ट मॉडल मॉडल वन स्पेसिफाई किया था. तो ये कॉन्टिन्यूअस मॉडरेशन है. ये कॉन्टिन्यूअस मॉडरेशन उसमें वो कंडीशनल इफेक्ट मेजर करता है. मॉडल टू इसमें दो मॉडरेटर है. मॉडल थ्री ये आपका मेडिएटेड मॉडरेशन है. 14th नंबर का मॉडल आपसे शेयर करता हूं, आप चेक कीजिए. तो दिस इज पॉसिबल ऑनली इन प्रोसेस मैक्रो. इसके लिए दुनिया में कोई और सॉफ्टवेयर नहीं बना है सिवाय के आर सॉफ्टवेयर. आर में सब पॉसिबल है, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन आर सॉफ्टवेयर. मैं तो सिर्फ आर यूज करता हूं और कुछ भी नहीं. कैन यू नाउ ये देखिए ये डायग्राम क्या है, ये कौन सा मॉडल हुआ? Can you tell me which model this is? Moderated mediation. Moderated mediation. यही देखा ना हमने? हाँ जी. वो पेपर में के उसको वापस ओपन करके शेयर करूँ आपके साथ? नहीं सर ठीक है, यही था. यही देखा 14th नंबर का मॉडल, मॉडल नंबर 14. तो ये सब बड़े बड़े मॉडल्स जो है मॉडरेटेड मेडिएशन, मेडिएटेड मॉडरेशन, ये सबके लिए सिर्फ प्रोसेस मैक्रो यूज होता है.
सर आप एक वो वाला पेपर जरूर शेयर कर दीजिएगा जिसमें आपके प्रोसेस आउटपुट को आपने एक्सप्लेन किया हुआ है। पीपीटी ही सर? अच्छा, पूरा पेपर शेयर कर दूं आपके साथ? सर कर दीजिए। यस यस कर देता हूं, जस्ट अभी, जस्ट नाउ, अभी का अभी कर देता हूं, नहीं तो मेरे से निकल जाएगा फिर। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, अभी कर देता हूं। भेज दे रहा हूँ आपको, सेंड कर दिया मैडम जी। सर एनी अदर क्वेश्चन? नो सर। आप लोग थैंक यू, वेलकम जी सर। हाँ जी सर, आप यूट्यूब में जाके मेरी चैनल भी है, सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आर सॉफ्टवेयर यूज कर सकता हूँ, पाइथन कर सकता हूँ। देखिए, आर सॉफ्टवेयर यूज करके हम सारा काम कर सकते हैं, लॉट ऑफ थिंग्स कैन बी डन। जी सर। सर आप बता दीजिए अपना पाथ सब्सक्राइब करने का। डॉक्टर केयूर नायक करके यूट्यूब चैनल है। ओके सर। और कोई भी हेल्प चाहिए तो मेरा नंबर मनीषा मैम के पास है, विकास सर के पास मोबाइल नंबर है। एनीवन कैन कांटेक्ट मी फॉर एनी फर्दर असिस्टेंस। जी सर, थैंक्स। और सबसे सबसे पहले आपका कंसेप्चुअल मॉडल क्लियर होना जरूरी है, और हाइपोथेसिस, इतना अगर क्लियर हो गया तो क्वेश्चन आयर बन जाएगा, और क्वेश्चन आयर बन गया तो थिंग्स विल बी क्लियर, थीसिस रेडी हो जाएगी, वाइवा क्लियर हो जाएगा। गुड आफ्टरनून डायरेक्टर सर। गुड आफ्टरनून वनीशा। गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून सर। सो नाउ ओके, नमस्कार नायक सर। नमस्कार। इट वाज वंडरफुल हैविंग यू फॉर द सेशन। सो मनीषा, इट्स ओवर नाउ? यस सर। ओके, सो नायक सर, इट इज थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस एफडीपी प्रोग्राम एंड शेयरिंग योर नॉलेज विद आवर फैकल्टी मेंबर्स। So I got a feedback that it was wonderful sessions. So we Thank look you. For more such opportunities to be associated. And so whenever you happen to come to Delhi, you are most welcome to come. Yeah, sure, sir. Okay. Thank you so much. Thank you, sir. Participants also, because it was for 15 days, the long FDP program. So I thank the participants also and the faculty who were coordinating this also. So thanks everyone. Thank you so much. Thanks, sir. Thank you.